करके लीक कर देना है सर। हाँ ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो अभी बच्चे बहुत सारे आ भी रहे हैं और म्यूट रहिएगा, और अगर कोई बच्चा इस पीरियड में ये करेगा तो हम उसको सीधे रिमूव कर देंगे, और उसका फिर सबमिट भी करेगा तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर हम अभी ज्वाइन हुए सर। हाँ तो ठीक है, अभी ज्वाइन हुए हैं तो आपके चैट बॉक्स में एक लिंक जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, एक दो मिनट के अंदर मैं लिंक भेज रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बस एक से दो मिनट में लिंक आपको भेज रहा हूँ, अभी बच्चे काफी आ भी रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मल्टीपल रेस्पॉन्सेज नहीं होना चाहिए, एक आदमी का एक ही रेस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप 10 रेस्पॉन्स भेजिएगा तो जो आपका पहला रेस्पॉन्स होगा वही मान्य होगा, चाहे आपका नंबर कोई भी आया हो, ज्यादा आया हो कम आया हो, उससे मतलब नहीं है। इसलिए सबमिट करते समय ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, बस भेज रहे हैं, अभी काफी बच्चे आ रहे हैं, अभी भेज रहे हैं लिंक, अभी तुरंत जाएगा आपको। अभी बच्चे आ ही रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और आप लोग म्यूट रहिए, म्यूट रहिए, जब पूछना हो अनम्यूट करके पूछा कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। म्यूट रहिए। गुड आफ्टरनून। Excuse me, sir. Hmm. Sir, what's going on? I don't understand, sir. Join late, sir. Sorry, sir. I have already sent a message in your WhatsApp group that today, okay, I will going to conduct a marquee in your batch, Python marquee. Okay, sir. Okay. तो मार्किंग हो गया, और पिछली बार जैसे दिए थे वैसे ही होगा, एक लिंक आपके चैट बॉक्स में मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, उस लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। कितने बच्चे अनम्यूट है, सब म्यूट कर ले पहले, और जिसको पूछना है सिर्फ वही अनम्यूट करेगा। सर टाइमिंग कितना रहेगा सर मार्किंग का? 30 मिनट, आधा घंटा, जब से भेज देंगे लिंक तब से आधा घंटा। क्वेश्चन कितना होगा सर? 15। ओके सर। आशुतोष सिंह, ये क्या हो रहा है उसके बैकग्राउंड से? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपके बैच, आपके चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा जा चुका है, ठीक है, 3:10 हो रहा है, लिंक भेजा जा चुका है, जस्ट ओपन द लिंक, फुलफिल द इंफॉर्मेशन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड सबमिट द फॉर्म। ठीक है, ये लिंक मैं बार बार सबमिट करके लीव कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ये लिंक मैं टाइम टू टाइम भेजता रहूंगा, अगर कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन होते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक मैं लिंक भेजता रहूंगा, ठीक है। 30 मिनट टोटल टाइम है जो शुरू हो चुका है, 30 मिनट के अंदर सारे को सबमिट कर देना है। और ये कौन बच्चा है, BCA B2 रोल नंबर 53 ID 79 ये क्या है, कौन है जी? BCA B2 रोल नंबर 53, बैच 2 रोल नंबर 53, BCA B2 53। सर ईमेल आईडी जो कॉलेज से मिला गया था वो ना फिल करना है, वही फिल करना है। और जिनका बैच नहीं है वो नन उसमें ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे BSA IT में कोई बैच नहीं है तो वो नन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके चैट बॉक्स में लिंक मैं बार बार भेज रहा हूँ, एक ही लिंक है जो मैं बार बार भेज रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। विवेक राज कौन है जी? यस सर। क्या तुम बैकग्राउंड में तुम्हारे क्या बज रहा है जी, और ओपन कर दे रहे हो तुम? सर और एक बार, चैट बॉक्स में लिंक होगा, ये लिंक मैं बार बार भेज रहा हूँ, एक ही लिंक को मैं बार बार भेज रहा हूँ, आपको उसी लिंक से फॉर्म ओपन करना है, ठीक है। पहले से गूगल में लॉगिन होना चाहिए आपके वैलिड ईमेल आईडी से, और ईमेल आईडी आपका कॉलेज के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वही है, ठीक है। 3:10 पे स्टार्ट हो गया है, टोटल 30 मिनट मैक्सिमम मिलेगा आपको, 3:40 पे, ठीक है, मैं इस मीटिंग को एंड कर दूंगा। उस समय तक जितने रेस्पॉन्सेज आए होंगे उसी का रिपोर्ट जनरेट होगा, उसके बाद कोई भी रेस्पॉन्स अगर आता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिनका जिनका हो जाए वो लोग सबमिट करने के बाद लीव कर सकते हैं। अभी 2 बच्चे का रेस्पॉन्स आया है, पता नहीं उनका रोल नंबर 12 और 87। जीवन मिश्रा, श्रीकांत कुमार, हर्ष सिन्हा, अमित, ठीक
Right now I got 10 responses. One has not mentioned the name. उसके बाद राजा सौरभ जीवन श्रीकांत हर्ष सिन्हा अमित आयुषी पांडे प्रमोद जिन्होंने सबमिट कर दिया है वो लोग निकल जाएंगे. किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डाउट होगा ठीक है वो देख लिया जाएगा. यहाँ पे हेल्प नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का. अगर क्वेश्चन गलत लग रहा है ठीक है क्वेश्चन के आंसर या उसकी रेस्पॉन्सेज गलत लग रहे हैं तो वो आप बाद में बता दीजिएगा ठीक है वो देख लिया जाएगा ठीक है. वैसे कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक मेरे समझ से कोई इसमें गड़बड़ नहीं है. मैं एक बार फिर से भी देख लेता हूँ. Sir, we can leave the meeting now. हाँ yes. जिनका हो गया सबमिट करके वो मीटिंग लीव कर सकते हैं. लिंक सेट कर दीजिएगा सर चैट बॉक्स में. हेलो सर. सर मोबाइल नंबर भी डालना है. डालना है. हाँ बोलिए क्या. Till now I got 41 responses. Hello sir. हाँ बोलिए. सही है एक का तभी गलत दिखा रहा है. क्या? सही है एक का ASCII value वाला question 9 number तभी गलत दिखा रहा है. सर ASCII value वाला सर question एक बार देख लीजिएगा. ASCII value वाला देख लेते हैं एक मिनट. सर am I audible? Yes you are audible. सर एक ASCII value वाला question है CH. हाँ सर वो गलत answer उसका मतलब दिया हुआ. अच्छा मैं चेक कर ले रहा हूँ. आई एम जस्ट गिव मी अ मिनट. अगर कोई गलती हो गया होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 10 भी सर थोड़ा देख लीजिएगा. हाँ 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 क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअली क्या है कि रेस्पॉन्स किसी और का देना चाहिए था कोई और आ गया. और 10 नंबर सर थोड़ा बता दीजिए. 3 नंबर सही है. 10 सर 10 10 और 10 भी क्वेश्चन नंबर 10 भी सही है. वो पूछ रहा है कि आप पाइथन का इस्तेमाल किन किन चीजों में कर सकते हैं.
एप्लीकेशन सर नाइन नंबर हाँ नाइन नंबर अभी बोले ना कि नाइन नंबर में है ठीक है वो देख लेंगे हम एक एक क्वेश्चन में देख लूंगा कंसीडर कर लूंगा ठीक है और सर 15 नंबर में भी 15 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 15 नंबर सर सिंगल सिंगल वो कॉमा वाला स्ट्रिंग दिए हैं तो सर वो गलत बता रहा है वो आपका गलत सही कुछ नहीं है आंसर क्वेश्चन के गलत होने पर बताइए क्वेश्चन नंबर एक CHR वाला जो था उसमें एक गड़बड़ी है ठीक है वो देख लिया जाएगा बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी सही है ठीक है अब आप गलत आंसर दीजिएगा तो गलत ही आएगा उसका आपका आंसर गलत होगा तो गलत ही आएगा एक क्वेश्चन नंबर 9 जो CHR वाला था ठीक है वो मिस टाइपिंग हो गया है इधर का उधर सिलेक्शन में हो गया है तो वो देख लिया जाएगा +1 सबका रहेगा उसमें उस केस में ठीक है सर एक बार और लिंक भेज दीजिएगा सर अभी जो सर 9 नंबर क्वेश्चन छोड़ देता लिंक मैं बार-बार भेज रहा हूं आपके इसमें ठीक है सॉरी सर मुझे रिसीव नहीं हो पा रहा सर 9 नंबर का आंसर क्या लिखा था अब छोड़ दे क्या कोई एक दे दीजिए ना अगर गलत भी होगा तो बोला ना मैं वो कि +1 हो जाएगा छोड़ना नहीं है छोड़ नहीं सकते हैं कोई एक आंसर देके आप आगे बढ़ जाइए सर कॉलेज के आईडी से लॉगिन करना है सर हाँ 14 नंबर में सिंगल डॉट में 9 है तो और 8 है दोनों को ऐड करना है तो फिर 9-8 आएगा ना वो आप वो आपका कंसर्न है 9-8 आएगा क्या आएगा बताने वाला काम नहीं कीजिए सर किए हुए हैं तो फिर डॉट में दिखा रहा है डॉट हाँ जिनका हो जाए वो लीव कर सकते हैं जिनका हो जाए वो लीव कर सकते हैं मैं सबको म्यूट कर दूंगा अगर अननेसेसरी टॉकिंग होगा तो ठीक है सर जो न्यू जॉइन है क्वेश्चन नंबर 30 में सर विल नॉट बी अ स्टोर एज प्लॉट प्लॉट को डिवाइड करने के लिए तो कुछ देवे नहीं किए हैं सर बी में और ना सी डी में क्या नहीं दिए हैं सर जैसे डिवाइड करेंगे तो ना पता चलेगा फ्लोट किस में है किस में नहीं है सर एक बार लिंक सेंड कीजिए ना पहले आप क्वेश्चन पढ़िए पढ़ के दिमाग लगाइएगा समझ गए ना क्वेश्चन सही है सर क्वेश्चन सर जो न्यू जॉइन है ऑप्शन में पूछ रहे जो न्यू जॉइन है वो पिछला वीडियो देख रहे होंगे लमसम आप अटेम्प्ट करके दीजिए फिल कीजिए क्विज तो देना ही लीव कर सकते हैं हाँ जिनका हो जाए वो लीव कर सकते हैं सर हम तो मतलब इतना जानकार नहीं था तब पर भी मतलब सॉल्व करके सबमिट कर दिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है न्यू जॉइन है सर जी हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लीव कर दे सर हाँ लीव आप लीव कर दीजिए जिनका हो गया सबमिट ठीक है मार्क्स पता चल गया ठीक है वो लीव कर जाएंगे मार्क्स भी आपको बता दे रहा होगा एंड पास आर एग्जांपल ऑफ दिस जनरेशन लैंग्वेज ठीक है और आपको जितने मार्क्स आ रही है क्योंकि एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है तो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ठीक है उसमें +1 रहेगा चैट करना जरूरी है जब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को ड्रॉप कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 जब ड्रॉप हो गया तो एक नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 को आप कैसे भी अटेम्प्ट कर लीजिए वो ड्रॉप क्वेश्चन है कोई भी आंसर देके आप आगे बढ़ जाइए ठीक है +1 आपका रहेगा सर 14 नंबर भी सही होने पे हाँ 14 नंबर सही बाकी सारे क्वेश्चन सही है सर 9 सही नहीं बता रहा है बाद में सब सही है तुम हम जो बोल रहे हैं तुमको सुनाई पड़ रहा है जी है तुम्हारा दिमाग स्थिर है कि नहीं है मैंने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने ड्रॉप कर दिया है ड्रॉप करना मतलब समझते हो ओके सर उसको आप कोई भी आंसर दे के आगे बढ़ जाइए वो उसका एक नंबर आपके साथ ऐड हो जाएगा ओके सर
और जिनका हो गया है वो निकलते चलेंगे, लीव करते जाएंगे. एंड टिल नाउ आई गॉट 147 रेस्पॉन्सेस. इंफॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन गलत होगा तो फिर भी फिर आपका रिजल्ट फिर नहीं चढ़ेगा, आपका रोल और आईडी ये सब सही नहीं रहेगा, नहीं चढ़ेगा. सर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, नहीं समझ, वैध मतलब वैध नहीं है मतलब. 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सही है. सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल, इसका मींस क्या हुआ? वैलिड मतलब क्या होता है? वैलिड मतलब सही है. हाँ तो सही है, बताइए कौन सही है कौन नहीं है. सर लीप करना बनाने के बाद. हाँ लीप कर देना है. सर एक बार 14 देखिए ना, सही बनाने पे भी रॉन्ग शो कर रहा है आंसर. 14 देखा हुआ है क्वेश्चन, मैंने रन करवा के भी देखा अभी उसको. क्या रन करा के देखा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 ना. यस सर. तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका सही आंसर इसमें लिखा हुआ है, आपको सही एग्जैक्ट आंसर एक्यूरेट आंसर देना है, वो है इसमें. वो इसमें आंसर है, जो सही आंसर है वो एक आंसर इसमें है. यस सर है, लेकिन उसको क्लिक करने पे जब मैंने उसको किया तो आंसर गलत दिखा रहा है. अच्छा आंसर नहीं, वो तवाफी ये कर रही होंगे. आंसर इसका ये क्वेश्चन हर लिहाज से सही है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा. ठीक है, बाद में आप एक क्विज के बाद आप कर सकती हैं आर्गुमेंट. ओके सर. पाइथन खोलिए, एग्जाम देने के बाद आप पूछिएगा. ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या हो रहा है. हेलो सर. लीव हो जाए सर. हाँ हो, जिनका हो गया जब बोल दिए तो लीव हो जाइए. सबमिट किए हैं, मार्क्स आपको मिल गया है, एक क्वेश्चन ड्रॉप है उसका एक नंबर मिल जाएगा आपको. वन सर थोड़ा मेरा चेक कर लीजिए सर. सर हमको उसे दोबारा सबमिट हो गया है सर. तो जो पहला सबमिट है वही कंसीडर होगा. उसमें नेटवर्क इशू था सर, लेकिन कोई इशू फिशू नहीं है, जो जो बोल दिया गया पहली बार जो था वही हो जाएगा आपका मान्य. सर मेरा नेटवर्क इशू कारण थोड़ा सा सबमिट करने से में दिक्कत हो गया था, चेक कर लिया सर. 50 पीयूष आनंद. वो हो गया होगा, आपको मार्क्स पता चला है? नहीं सर, एक बार देख लेते ना. आपको कैसे नहीं पता चला होगा मार्क्स? सर यही तो नहीं पता चल रहा है, एक बार चेक कर लिया सर. सबमिट कर दिए होंगे तो सबमिट हो गया होगा. तर हो गया, लिव कर जाए. हाँ हो जाए, लिव हो जाइए. सर सबमिट कर दिए हैं. मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, आप सबमिट कीजिए और जाइए. जिनका जिनका हो जाए सबमिट कीजिए, जाइए. 21 मिनट हो चुका है, 9 मिनट और बाकी है. एक क्वेश्चन ड्रॉप है, प्लस वन हो जाएगा.
ठीक है, और ये एग्जाम है आपके नेटवर्क इश्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको फॉर्म का सबमिशन चाहिए। फॉर्म जिसका सबमिट होके आएगा वही कंसीडर होगा। नेटवर्क ठीक ठाक नहीं है तो नेटवर्क ठीक ठाक कर लीजिए। सात मिनट और बच गया है, टाइम कंप्लीट होगा, सेशन एंड कर दूंगा मैं। जिनका हो जाए सबमिट कीजिए, लीव कीजिए। जिनका हो गया है वो लीव करेंगे। ये कौन है, सचिन सिंह 35, क्यों अनम्यूट करें आपको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको? सर वो क्वेश्चन था ना सर, एक कैरेक्टर वाला 65 का सर, उसका आंसर सर कैपिटल नहीं होता है ना सर। आप अभी आए हैं? नो सर। तो आए हैं तो हम उतने देर से बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ड्रॉप हो चुका है। ओके सर, ओके सर। जो एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिए हैं तो उसका क्वेश्चन, उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके सर। जिनका हो जाए वो लीव करते जाएंगे। मात्र 4 मिनट और बचा हुआ है, 4 मिनट्स लेफ्ट। अंटिल नाउ आई गॉट 281 रेस्पॉन्सेस।
जिनका हो जाए वो लीव करते जाएंगे। समय समाप्ति के बाद कोई भी रिस्पॉन्सेस कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि जैसे सेशन एंड होगा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्सेस आएगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये कौन 107 संजीत, बोथ आर हैंड रेजिंग हैंड। हाँ जी सत्या, क्या बात है बोलिए। सर टेस्ट बंद कर दिए क्या? क्या टेस्ट बंद कर दिए? मेरा पेज गायब हो गया सर, बंद हो गया, सबमिट करने जा रहे थे वैसे। जब आप लिंक में है और चैट के थ्रू आपको लिंक बार बार भेजा जा रहा है, क्या हो गया वो आप समझिए, कुछ बंद नहीं हुआ है अभी तक। हाँ जी संजीत कुमार, क्या दिक्कत है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 30 में जो आंसर हमने दिया है सर, उसको गलती बता रहा है सर। हम क्या है क्वेश्चन नंबर 13? सर एक मिनट सर, विच ऑफ दिस विल नॉट बी स्टोर एज अ फ्लोट, दूसरा हमने आंसर दिया था 15 सर। तो वो क्वेश्चन सही है, ठीक है, वो क्वेश्चन सही है, वो क्वेश्चन सही है, मैंने देख लिया है, ठीक है, उस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विच विल नॉट स्टोर एज अ फ्लोट ना, जैसे क्वेश्चन सही है सर, हम ऑप्शन में कर रहे हैं। हाँ ऑप्शन भी, जो उसका आंसर है वो आंसर भी सही है, सब चीज सही है, इस क्वेश्चन में कहीं से डाउट नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करने लायक है, जिसमें था वो हम आपको बता दिए। वन अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आपका ड्रॉप किया गया है, वही एक क्वेश्चन ड्रॉप है बस। ओके सर, ओके जिनका हो गया है वो लीव करते जाएंगे। हाँ जी छोटू कुमार, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 14 सर। सर क्या है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 14 सही है सर। सर ए बराबर सर डबल कोट के अंदर 9 और ए बी बराबर, सब सही है, सही है क्वेश्चन, सही है, उसमें सर, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। आंसर देखिए, आंसर देखिए और लगाइए, और अगर आप गलत, अगर आप गलत दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो गलत है आपका। मनीष सर हम रन करा के मार देते सर, रन करा के मार देते। आप रन करा के एग्जाम दे रहे हैं कि रन करा के आप मारिएगा? आपका वो वाला क्वेश्चन हम मार्क्स कट जाएगा आपका सर, उसमें गलती है सर, उसमें क्या मार्क्स कटेगा? उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन और उसका ऑप्शन हर लिहाज से सही है, उसमें कोई तर्क नहीं कीजिए।
चलिए चलिए टाइम अप, आई एम एंडिंग दिस सेशन। जिन्होंने सबमिट नहीं किया है बस मैं एंड कर रहा हूं, आप सबमिट दबा दीजिए, अदरवाइज रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, आपका कंसीडर नहीं होगा। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।